Hello everyone, I'm Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. So today we are going to see some of the historical part of the satellite communication ki ye kahan se hua, kaise start hua, kis tarike se jo hai hum log isme aage badhe, to uske bare mein jo hai hum log aaj ki class mein discuss karenge. So before we are going to today's class, let me start in the yesterday class. जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है ना कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट इज इन अ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वी आल्सो सी द सैटेलाइट इज इन अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अनदर बॉडी. हम लोगों ने जो है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत के बारे में भी थोड़ी सी बात की कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. थोड़ा सा वी हैव आल्सो वेंट थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्बिट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिपीटर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसपॉन्डर एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी. So today we are going to talk about the history. थोड़ा सा जो है ना हम लोग history के बारे में बात करते हैं. So let's begin. So when we talk about the satellite communication, जो अगर history के बारे में बात करोगे तो जो हमारा history है, if we are going to talk about the history, तो जैसे ही हम लोग history को देखें तो जो है ना we have to mention this first person which is what, Arthur C. Clarke. अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 1945 के time पे, 1945 जो है ना ये क्या था, हमारा second world war के एंडिंग का टाइम था. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडिंग के टाइम पे जो है ना ऑथर क्लार्क ने जो है ना व्हाट ही हैज सेज दैट द थ्री ट्रांसपॉन्डर कैन कवर द अर्थ फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन. पूरा का पूरा जो है ना ये अगर मेरा लेट मी कंसिडर दिस इज द अर्थ. ठीक है, ये मेरा अगर अर्थ है. ओके, सो इट्स अ हाफ ऑफ द अर्थ. सो लेट मी टेक द अनदर यू नो द कलर. ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस इज एन अर्थ. ये अगर आपका जो है ना अर्थ सरफेस है तो व्हाट ऑथर सेज दैट द थ्री सैटेलाइट्स जो है ना यहाँ पे क्या होगा, दिस थ्री सैटेलाइट्स आर एबल टू कवर दिस पर्टिकुलर अर्थ. ये पूरे अर्थ को जो है ना क्या कर सकते हैं, दे आर एबल टू कवर इट. ओके, सो यू कैन सी दिस थ्री पर्टिकुलर सैटेलाइट are able to cover this particular earth. तो उन्होंने जो है ना मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में उन्होंने जो है ना क्या बोला कि तीन ट्रांसपॉन्डर, he do not use the word satellite, he use the word transponder. Three transponders are able to cover the whole area of the earth. तो ये जो पेपर पब्लिश किया इन्होंने, दिस पेपर वॉज यू नो द वन ऑफ द बिग अचीवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के टाइम पे जो है ना ये बहुत बड़ा टर्म्स माना जा रहा था. क्यों? क्योंकि जो है अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर टू मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या हो गया कि जो है ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी जो जनरेट हुई वो मिलिट्री के टाइम पे बहुत ज्यादा जनरेट हुई. मिलिट्री से वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है ना बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आई. क्यों आई, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ. क्योंकि जो है ना सबसे पहले देखोगे तो हमारे पास जो है ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, या फिर इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में जो सबसे पहला जो है ना जो इंजीनियरिंग था, दैट इज द मिलिट्री इंजीनियरिंग. सबसे पहले जो है ना मिलिट्री इंजीनियरिंग आया था. मिलिट्री इंजीनियरिंग में क्या करता था, वी आर डूइंग टू डेवलप सम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर रिलेटेड विद दिस मिलिट्री पर्पस. मिलिट्री पर्पस से जो है ना फिर ये डिवाइड हुआ एंड इट्स डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट, वन फॉर द सिविलियन पर्पस एंड अनदर फॉर द मिलिट्री. ओके, तो हम लोग जो है ना मिलिट्री के लिए और सिविलियन पर्पस के लिए जो है ना यूज करने लग गए. ओके, तो हम लोग यहाँ पे किसके लिए, मिलिट्री के लिए जो है ना हम लोग यूज करने लग गए. लेट मी राइट इट एज एन मिलिट्री. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसके लिए, सिविलियन. तो सिविलियन के लिए जो है ना हमारा ब्रांच डिवाइड हो गया. आफ्टर दैट दिस सिविलियन हैज डिवाइडेड इनटू द अनदर ब्रांचेस में ये डिवाइड होते गया. ये फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया एंड सिविल इंजीनियरिंग. आपका जो है ना सिविल इंजीनियरिंग, आपका जो है ना सिविल इंजीनियरिंग आ गया. ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगेन डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. देन अगेन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. सो मेनी डिवाइडेड डिविजन वॉज देयर. बट वट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू से कि जो है ना जब हम लोग स्टार्ट किए थे, व्हाट वी हैव दिस टेक्नोलॉजी इज मोरली रिलेटेड विद द मिलिट्री पर्पस. इट्स अ मोरली रिलेटेड विद द मिलिट्री एप्लीकेशंस. तो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए क्यों था, क्योंकि जो है ना वी आर लुकिंग फॉर द सिक्योरिटी.
Security is one of the very important point when we talk about, you know, the any technology or any kind of a development, because everyone want to secure jo hai aap apne enemy se secure hona chahte ho, so that security was very important. So let me clear this screen. तो अगर हम लोग जो है ना वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करें, तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्या होता था, कोई भी वॉर अगर हो, कोई भी वॉर चाहे वर्ल्ड वॉर वन हो, टू हो या कुछ भी हो, तो द फर्स्ट टास्क इज टू फिनिश द कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर हम लोग अपने एनिमी कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर फेल कर दे रहे हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, अगर ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दैट कंट्री इज नॉट एबल टू आस्क फॉर द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, वो जो है ना, अगर हाफ ऑफ द कंट्री से यू कैन सी, अगर कोई भी कंट्री है तो ये पूरा का पूरा कंट्री हो गया, जो बॉर्डर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया इज द बॉर्डर एरिया. अगर बॉर्डर एरिया पे कम्युनिकेशन को आप फेल कर दे रहे हो, यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है, दैट कम्युनिकेशन वाज फेल, सो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द कंट्री. ये कंट्री से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू गेट द री इन्फोर्समेंट, दे आर नॉट एबल टू गेट, दे आर कट डाउन. ये जो है ना हमेशा के लिए ये कट डाउन हो जाएंगे. देन इट इज इजियर फॉर द एनिमी कंट्री टू अटैक हियर एंड डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग हियर ओनली, राइट. अगर ये सब चीज खत्म हो जाएगा तो जो है ना इसके ऊपर जो है ना विक्ट्री हासिल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई एवरीवेयर जैसे ही वॉर होता है, द फर्स्ट थिंग इज दैट टू डिस्ट्रॉय देयर कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे भी जो है ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो है ना, व्हाट दे हैव सीन कि जो भी कंट्री है व्हाट दे आर टारगेटिंग दिस कम्युनिकेशन पार्ट, इस कम्युनिकेशन पार्ट को जो है ना टारगेट कर रहे थे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जो है ना जापान हो, दे ऑल आर टारगेटिंग दिस द कम्युनिकेशन पार्ट, एंड वंस द कम्युनिकेशन इज फेल ऑलमोस्ट दे लूज द वॉर. तो उस टाइम पे क्या हो गया कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपके अर्थ सरफेस पे है, यहाँ पे अगर मैं मोबाइल टावर्स लगा के रखा हूँ, या फिर जो टावर्स रेडियो वेव यूज कर रहा हूँ, माइक्रोवेव लिंक को अगर यूज करके जो है ना मैं अगर ट्रांसमिट करा रहा हूँ, तो इससे जो भी मेरा ट्रांसमिट होगा, ये पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दिया, वंस आई विल डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई एम नॉट एबल टू मेक द कम्युनिकेशन, और अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, देन आई एम नॉट एबल टू गेट द री इन्फोर्समेंट. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो है ना, द पीपल्स वॉन्ट टू थिंक कि जो है ना कैसे हम लोग इस कम्युनिकेशन सिस्टम को सेव करके रखें. तो इसको सेव करने के लिए जो है ना, व्हाट द पीपल हैज डन लॉट्स ऑफ द थिंग. तो व्हाट यूएस हैज स्टार्टेड using the moon. तो जो है ना, जिस तरीके से अगर आप लोग देखोगे कि हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेट करा रहे थे, तो प्रोपगेशन में अगर देखोगे, it will go to the ground surface से ये रिफ्लेक्ट होगा, and it will reach to the tower. यहाँ पे जो भी टावर होगा, so this is one tower, this is the another tower. इस टावर से हम लोग क्या कर रहे हैं, this is what your microwave link, माइक्रोवेव सिग्नल. ये सिग्नल क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंच रहा है, एंड देन वी आर एबल टू रिसीव दिस पर्टिकुलर सिग्नल. तो अगर हम लोग जो है अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट करा के अगर जो है ना उस चीज को रीच कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन ट्राई समथिंग हियर इन द मून. लेट मी इरेज दिस, समथिंग हियर इट अ मून. सो दिस इज व्हाट अ मून सरफेस. तो अगर हम लोग जो है ना यहां से ये जो टावर है, ये जो पर्टिकुलर टावर है, इफ दिस टावर विल कम्युनिकेट द माइक्रोवेव लिंक हियर, अगर माइक्रोवेव लिंक को यहाँ भेजा है, यहाँ से जो है ना रिफ्लेक्ट होके व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक. तो जो है ना यूएस हैज स्टार्टेड यूजिंग द मून एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करने लग गया, सो दैट इज नथिंग बट ना पैसिव सैटेलाइट. पैसिव सैटेलाइट मतलब क्या हो गया, अगर पैसिव सैटेलाइट के बारे में बात करें, तो जो है ना क्या हो गया, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी जो है ना एक्स्ट्रा चीज नहीं डाल रहे. तो मून क्या हो गया, मून एक्ट एज एन पैसिव सैटेलाइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैसिव सैटेलाइट. पैसिव सैटेलाइट इस टाइप का सैटेलाइट होता है जो खुद से कुछ जनरेट नहीं कर रहा. वी डू नॉट हैव एनी पावर सोर्सेज विच विल जनरेट एनी सिग्नल. व्हाट इट विल डू, इट विल ओनली यूज एज एन अ सरफेस. इट्स लाइक एन अ मिरर. एक मिरर होगा, उस मिरर से जो है ना रिफ्लेक्ट बैक होके जो है ना आपका सिग्नल आ रहा है. लेट मी गिव द अनदर एग्जाम्पल. सो सपोज दिस इज योर क्लासरूम. ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो है ना, हियर यू हैव अ बोर्ड.
ये सामने में आपका बोर्ड है, हियर ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, हियर ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ओके. If you want to communicate, this is what a student 1, this is what a student 10. So this student, if you want to communicate to this particular person, अगर आप इसको बोलना चाहते हो कि आज कैंटीन में जो है ना मैं पार्टी दूंगा तुमको करके, तो if you will pass this signal to here, it is not possible to reach. अगर आप ब्रॉडकास्ट कर दोगे सब कोई सुन लेंगे, सब कोई पहुंच जाएंगे. तो what you can do, you can write your message into a paper. इस पेपर पे जो है ना आपने मैसेज लिख दिया, आपने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद क्या कर रहे हो, यू विल थ्रो इट हियर. यहाँ पे जैसे ही थ्रो करोगे और जो है ना ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होके इसके पास पहुंच जाएगा. सो आपने क्या किया, जो भी मैसेज था, मैसेज को एक बॉल बनाया, बॉल की तरह जो है ना आपने बोर्ड पे जो है ना थ्रो किया. थ्रो करने के बाद जो है ना वो डायरेक्टली अगर यहाँ पे पहुंच गया, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ना उस मैसेज को पढ़ लेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको पढ़ लेगा, एंड यू बोथ विल गो टू द कैंटीन एंड हैव यू नो द पार्टी. But other people are not aware what exactly it is. They are not able to know the message. अगर आप ब्रॉडकास्ट करते, अगर आप चिल्ला के बोलते एस्टन हम लोग आज कैंटीन चलेंगे, जो है ना मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो जो है ना all these people will come. अगर आप जो है ना ये पेपर को इसको ट्रांसमिट करते तो हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट टू इसको देख लेता कि अंदर में क्या लिखा हुआ है और ये पढ़ लेता, है ना. तो ये एक तरीका हो गया. सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से हियर, कि यहाँ पे जो भी मेरा मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल को मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी से, जो रेडियो वेव्स है या जो मेरा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में मैं अटैच करके कहाँ पे थ्रो किया, मून पे थ्रो किया. मून पे थ्रो करने के बाद जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आया, जो है हमारे अर्थ सरफेस पे आया. जिस सरफेस पे आएगा वो सरफेस पे क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर मैसेज एंड वी आर एबल टू नो व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज इट वाज. ठीक है, तो दैट वी आर एबल टू नो. सो दैट इज व्हाट द मून इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जहां पे ये बोर्ड जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज हो रहा था, यहाँ पे ये जो मून है, दैट मून इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और यहां से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, मेरा मैसेज सिग्नल जो है ना हो जाएगा. बट अगेन दिस वाज नॉट द सक्सेसफुल यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पैसिव सैटेलाइट, बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट रीजन, जो डिस्टेंस है मून का दैट इज वेरी हाई, ओके, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है. सो दिस इज व्हाट अ लॉन्ग डिस्टेंस. दूसरा जो रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मून, मून इज नॉट ऑलवेज विजिबल फॉर द सेम प्लेस. एक ही प्लेस पे जो है ना हमेशा वो विजिबल नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाई द मोशन ऑफ दिस मून इज यू नो द अनसर्टन. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिलाय. हमको नहीं मालूम कि जो है ना अटैक जो होगा या मेरे को कम्युनिकेट करना है वो मेरे को जो है कब करना है, दिन में करना है, रात में करना है, समर में करना है, विंटर में करना है. सो वी डिडंट नो एट जो जब हमको जरूरत होगी सिग्नल को भेजने की, इफ यू विल नॉट फाउंड द मून देन व्हाट माय सिग्नल इज गोइंग टू बी लॉस्ट. सो दैट्स व्हाई मून वाज नॉट द रिलायबल सरफेस फॉर योर यू नो द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. सो दैट्स व्हाई मून कैन बी यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इनिशियली इसको यूज किया गया था बट इट वॉज नॉट रिलायबल. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, यूएस आर्मी ने जो है ना क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग द कॉपर नीडल. लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन. Let me clear this screen. So what the US has, US military has started using the copper needle. Copper needle को क्या करने लग गए, वो space में use करने लग गए. So this is your earth. Earth के चारों तरफ क्या है, ionosphere है. There are one ionosphere. So what they have started, they have sent lots of the copper needle. Copper needle को यहाँ पे जो है ना डाल के क्या किया, एक artificial ionosphere बनाने की कोशिश किया. They want to create a artificial ionosphere above the earth. Earth के ऊपर पे जो है ना एक ionosphere बनाने की कोशिश किया, so that they are able to transmit, they will receive this signal. So how they are using, they are able to use this particular part. ये जो copper needle था, again it's a kind of an passive satellite. What it is kind of an passive satellite. So this is kind of an passive satellite. Okay. So this is the another part. The US military has used lots of the copper needle in the earth surface के above में जो है ना डाल के जो है ना उन लोगों ने artificial ionosphere जो है generate करने की कोशिश की. So this is the second part. Then let's come to the third part. अगर जो है ना USSR के बारे में बात करें, तो जो है ना आपका जो रसिया has launched in 1957 पे जो है ना they have launched a satellite Sputnik.
Sputnik 1 was the first active satellite. So this satellite is nothing but what? Active satellite. फर्स्ट एक्टिव सैटेलाइट ये जो है ना कुछ आवर्स से लेके कुछ वीक तक जो है ना हमारा ऑर्बिट पे था. वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट जो कुछ वीक तक था. आफ्टर दैट व्हाट इट विल डीएक्टिवेट. डीएक्टिवेट क्यों हो गया? क्योंकि जो है ना इसकी बैटरी खत्म हो गई. बैटरी खत्म होने के बाद जो है ना इट्स स्टॉप वर्किंग. सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिव सैटेलाइट. दिस इज व्हाट द फर्स्ट एक्टिव सैटेलाइट. ओके देन उसके बाद क्या हो गया? अगेन that US military has started the another project known as the ECO-1 and ECO-2. So ECO-1 and ECO-2 are the passive reflector. Again, this ECO-1 and ECO-2 are what? Passive satellite. Passive satellite. So passive satellite kyun hai tha? क्योंकि जो है ना व्हाट दे हैव डन, दे हैव यूज अ बिग मेटालिक बलून. आप लोगों इन्होंने क्या किया कि दे हैव टेकन द बिग मेटालिक बॉल. इस बॉल को क्या किया? विद द हेल्प ऑफ द बलून दे हैव लॉन्च्ड. विद द हेल्प ऑफ बलून व्हाट दे हैव लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसको जो है ना लॉन्च किया बलून के थ्रू पे और क्या किया जो है अर्थ सरफेस के कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया. सो दैट व्हाट एवर द सिग्नल वी वांट वी कैन ट्रांसमिट इट एंड वी कैन गेट बैक. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव पुट दिस मेटालिक बॉल इनटू द स्पेस सो दैट वी आर एबल टू मेक द कम्युनिकेशन. व्हाट कम्युनिकेशन? पैसिव कम्युनिकेशन. पैसिव रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया और जो है ना उससे सिग्नल को यूज किया. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन पैसिव सैटेलाइट का जो है ना ये क्या है? एक एग्जाम्पल है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन पैसिव सैटेलाइट. उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर इन 62 और 63 पे जो है टेलस्टार 1 एंड टेलस्टार 2 वाज लॉन्च्ड. तो ये दो सैटेलाइट थे, ये दो सैटेलाइट लॉन्च हुए. आफ्टर इन 1964 में क्या हुआ? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन वॉज बिल्ड. जो हम लोग जो है ना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इनिशियली इट स्टार्टेड विद द सम फ्यू यूरोपियन कंट्रीज. कुछ यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिलके, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द सैटेलाइट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल कम्युनिकेशन. तो ग्लोबली अगर हम लोग चीजों को जो है ना अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है ना ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए पीपल हैज स्टार्टेड कंबाइनिंग. और with the help of so many European countries they started the organization International Telecommunication Satellite Organization. After some times India also become the part of that particular part. To jo hai Intel satellite ka part bana. To 1964 pe jo hai na that particular organization was built. And after that in 1965 pe Intelsat first, Intelsat 1 was the launch, which is the first commercial satellite when we talk about the communication. Communication ke point of view se, jo pehla commercial satellite tha, wo tha Intelsat. Intelsat mein jo hai na, this I is for international, this tele, international telecommunication satellite organization. So Intelsat kya ho gaya? International Telecommunication Satellite. So this is nothing but International Telecommunication Satellite. Okay. So International Telecommunication Satellite जो पहला जो लॉन्च हुआ था किसने लॉन्च किया था? International Telecommunication Satellite Organization ने लॉन्च किया था. कब किया था? 1965 में. उसके बाद INSAT 1 है. INSAT 1 क्या है? Indian National Satellite. तो Indian National Satellite was the first Indian commercial, it's a communication satellite, jo telecommunication satellite ke liye jo hai na Intelsat was used. Okay, so this is the first, you know, the Indian commercial communication satellite. Okay, so let me go first to the Project Westford. अगर हम लोग जो है ना प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड के बारे में बात करें, सो लेट मी गो अबाउट दिस प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड. प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड क्या था? वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर द कॉपर नीडल. व्हाट वी हैव टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉपर नीडल. इफ यू आर एबल टू सी दिस कॉपर नीडल
तो कॉपर रीडल को जो है ना प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड के नाम से जाना गया. प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड में व्हाट दे हैव डन, दे हैव सेंट दिस कॉपर नीडल. यू कैन सी हियर दिस कॉपर नीडल इन इन दिस फिंगर, यू आर एबल टू सी दिस इज द काइंड ऑफ अ कॉपर नीडल. हियर यू कैन सी द अब्राहम लिंकन वॉज देयर. सो दे हैव यू नो created a stamp. US has created a stamp also, postal stamp also, for the glory of this particular the copper needle. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कॉपर नीडल है. दैट कॉपर नीडल वाज डिप्लॉयड एंड क्रिएटेड द आर्टिफिशियल आयनोस्फीयर. तो देखोगे कि तो 90 यूएस आर्मी ने 1958 पे जो प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड है इसको जो है ना स्टार्ट किया था. एंड व्हाट दे हैव लॉन्च दिस कॉपर नीडल इनटू द आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर में एक आपका आर्टिफिशियल आयनोस्फीयर जो है ना बनाने के जो है ना कोशिश किया गया था. सो दिस इज व्हाट योर अर्थ सर्फेस. And this particular part is launched here somewhere to create a artificial ionosphere. Artificial ionosphere जो है ना generate करने के लिए, so that we are able to make the communication. जो sky wave है, sky wave से जो है ना हम लोग communication करा पाए, उसके लिए जो है ना project Westford जो है ना आया था. Let me go to the another part. When we talk about the Sputnik, so when the Sputnik was launched by the USSR, right? We have talked about this. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज व्हाट योर आउटर बॉडी. दिस इज व्हाट आउटर बॉडी. आउटर बॉडी के बाद पे जो है ना ये क्या है, दिस इज योर इनर शील्ड, इनर बॉडी. दिस इज व्हाट द इनर बॉडी. इस इनर बॉडी के बाद में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपॉन्डर. सो टीपी ट्रांसपॉन्डर, और यू कैन सी दैट TXRX ट्रांस रिसीवर है. ये मेरा ट्रांस रिसीवर है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है. यू कैन सी हियर आई हैव अ डाइपोल एंटीना. दिस आर व्हाट एंटीना. सो यहां पे क्या है, मेरे पास जो है ना डिफरेंट एंटीनाज हैं. सो दिस आर द फोर डाइपोल एंटीना. दिस इज द 1, 2, 3, 4 फोर डाइपोल एंटीना आई हैव. दिस इज माई द आउटर बॉडी. दिस आउटर बॉडी, इस आउटर बॉडी को अगर ब्रेक करोगे तो अंदर में क्या है, आई हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर है. दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट द पावर. सो व्हाट वी हैव यूज्ड द बैटरी. ये बैटरी को जो है ना यहाँ पे पुट करके जो है ना ये जो स्पंटनेक वॉज लॉन्च्ड. और ये जो है ना कुछ आवर्स से लेके कुछ वीक तक जो है ना क्या था, सैटेलाइट में ऑर्बिट कर रहा था. और इट वाज देयर बिकॉज ऑफ दिस पावर और द बैटरी, वी कैन से दैट दिस इज अ एक्टिव सैटेलाइट. सो दिस इज व्हाट अ एक्टिव सैटेलाइट. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव सैटेलाइट जो क्या USSR ने जो है ना क्या किया था, लॉन्च किया था. Okay, so let me go to the another part. If you will see this particular figure, okay, so here you can see this NASA. NASA is nothing but the part of the US jo army tha. US army jo hai na created this NASA. NASA jo hai na US army ke under pe kaam karta tha. To NASA has created this Eco 1 and Eco 2. You can see this big metallic ball. Ye jo hai na metallic ball aap dekh pa rahe hoge. So this is a very big metallic ball. ये मेटालिक बॉल को क्या करना चाह रहे थे, व्हाट यूएस वांटेड, ही वांटेड दैट कि जो है ना इसको हम लोग अर्थ के जो है अर्थ से स्पेस में जो है ना इसको प्लेस कर दें. एक बार अगर ये प्लेस हो गया यहाँ पे, देन व्हाट वी आर एबल टू यूज माइक्रोवेव लिंक से जो है ना, माइक्रोवेव से हम लोग यहाँ से कम्युनिकेट कर पाए. वी आर एबल टू ट्रैक इट, वी आर एबल टू कम्युनिकेट इट. ठीक है, तो ये जो इको वन है, इको वन इज अ काइंड ऑफ एन पैसिव सैटेलाइट. ये क्या था आपका जो है ना, पैसिव सैटेलाइट था. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैसिव सैटेलाइट, दे ट्राई टू यू नो रिप्लिकेट द मून इन अदर टर्म्स आप अगर बोल सकते हो. तो ये क्या करना चाह रहे थे, ये जो है ना जो हमारा नेचुरल मून है, उस नेचुरल मून को यहाँ पर रिप्लिकेट करके जो है ना क्या करना चाह रहे थे, दे वॉन्ट टू मेक इट अ मेन मैड और ह्यूमन मैड यू नो दिस मून, जिसको इन लोगों ने इको वन और इको टू के नाम से जो है ना लॉन्च किया. ये जो है 1960 पे इको वन लॉन्च हुआ था, 1964 पे इको टू लॉन्च हुआ था. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज नथिंग बट द वेरी बिग यू नो द हॉर्न एंटीना. दिस हॉर्न एंटीना इज यूज टू रिसीव द सिग्नल. ये जो सिग्नल यहाँ पे जो है ना, इफ यू विल टॉक, लेट मी चेंज द कलर.
ओके, इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे जो सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये सिग्नल को कहाँ से जो है ना ट्रांसमिट कर रहे हैं, यूजिंग दिस हॉर्न एंटीना, यहाँ से हम लोग ट्रांसमिट और रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज एज ना यूर एंटीना. तो यहाँ पे जो है ना दिस बिग एंटीनाज आर यूज फॉर दिस दिस टाइप ऑफ यू नो द सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को कम्युनिकेट कराने के लिए इतने बड़े बड़े एंटीना यूज हुए थे. सो दिस वॉज वॉट यूर इको वन एंड इको टू. नाउ लेट मी गो टू द टेलस्टार वन टेलस्टार टू. इफ यू आर एबल टू सी द टेलस्टार वन टेलस्टार टू, इट्स एन एक्टिव सैटेलाइट. एक्टिव सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, वाई वी आर सेइंग दिस इज एन एक्टिव सैटेलाइट. दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ वॉट एक्टिव. एक्टिव सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है ना ये यहाँ पे क्या है कि जो है ना वी आर कैरिंग द बैटरी सोर्स. यू कैन सी हियर द सोलर पैनल. सोलर पैनल आप देख सकते हो, दीस आर द सोलर पैनल्स, राइट. दीस सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड हियर. इसकी वजह से क्या होगा, यू कैन सी हियर द एंटीना. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट द एंटीना. सो यू कैन सी द एंटीना हियर. ये जो है ना आपका एंटीना डला हुआ है यहाँ पे, आपके पास जो है ना डिफरेंट सोलर पैनल्स हैं. इट इज एन अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव सैटेलाइट. सो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ योर एक्टिव सैटेलाइट. तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगेन यू हैव अ बिग यू नो द अर्थ स्टेशन विच आर गोइंग टू यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल. सो दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ टेलस्टार वन एंड टेलस्टार टू. नाउ लेट मी कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. So here, when we talk about this particular satellite, so this is, let's come to the Intelsat. Intelsat को जो है ना हम लोगों ने discuss किया था. It was launched by the International Telecommunication Satellite Organization. Satellite Organization ने जो है ना इसको launch किया था. कब किया था? 1965 पे launch किया था. इसका जो weight था वो 39 kg का था. इसकी जो life थी वो 18 month की थी. ये एक टीवी चैनल को ब्रॉडकास्ट कर पाता था. वी आर एबल टू ब्रॉडकास्ट वन टीवी चैनल विद द हेल्प ऑफ दिस. आरएफ पावर जो है ना यहाँ पे 7 dB watt था. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज व्हाट अ सोलर पैनल. यू कैन सी हियर द डाइपोल एंटीना. सो यू कैन सी द डाइपोल एंटीना हियर. यू कैन सी अ हॉर्न एंटीना हियर. एंड यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है, स्पिन स्टेबलाइजेशन है, इट्स गोइंग टू स्पिन इट. ये रोटेट होके अपने आप को क्या करता था, स्टेबलाइज करता था. तो दिस वाज नथिंग बट द इंटेलसेट. इंटेलसेट में जो है ना इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटेलसेट. बाद में जो है ना ज्वाइन हो गया, जब इंटेलसेट में ज्वाइन हो गया तो 1971 पे इंडियन जो इंटेलसेट अर्थ स्टेशन है वो कहाँ पे था, अरवी पुणे के पास पे जो है ना एस्टेब्लिश किया गया. द फर्स्ट इंटेल सैटेलाइट अर्थ स्टेशन वाज प्लेस्ड इनटू द अरवी नियर पुणे, जिसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, अरवी सैटेलाइट अर्थ स्टेशन या अरवी उपग्रह भूमि केंद्र के रूप में जो है ना उनने क्या किया कि एक स्टैम्प जो है ना जारी किया इसके जो है ना सम्मान में. और ये जो पर्टिकुलर अर्थ स्टेशन था, इस अर्थ स्टेशन में जो एंटीना लगा था उसकी हाइट कितनी थी, 28 मीटर की थी. पावर 3 किलो वॉट का था. लो नॉइस एम्पलीफायर 50 डिग्री के तक जो है ना यूज होता था. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द लिंक डिजाइन. और जो है ना इट वॉज डिजाइन बाय द इसरो. इसरो ने जो है ना इसको डिजाइन किया था. सो दिस इज द अरवी अर्थ स्टेशन. लेट मी गो टू द अरवी अर्थ स्टेशन और सम ऑफ द इंडियन अर्थ स्टेशन. तो अगर हम लोग जो है ना कुछ इंडियन इंटेलसेट अर्थ स्टेशन के बारे में बात करेंगे, तो जो पहला अर्थ स्टेशन था दैट इज द अरवी अर्थ स्टेशन नियर पुणे. अरवी पे जो है ना आपका पुणे के पास पे जो है ना पहला जो है ना अर्थ स्टेशन था. यू कैन सी कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंप जनरेट किया, पोस्टल कार्ड जो है ना जनरेट किया फॉर द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. ऑनर ऑफ व्हाट, दिस अरवी सैटेलाइट उपग्रह केंद्र. यू कैन सी हियर दिस इज अ बिग यू नो द डिस्क एंटीना वी हैव. The radius of this antenna, the diameter of this antenna is 28 meter ka jo hai na diameter tha. So this is a very big antenna which are used for the satellite communication. Jo hai hamara satellite communication pe use hua. The second earth station was placed at the Ahmed satellite station near Dehradun. To jo hai na Dehradun ke pas, you can see this is the second
सेकेंड सैटेलाइट जो है ना आपका जो है ना प्लेस हुआ वो कहाँ पे था, देहरादून के पास पे जो है ना 1977 पे जो है ना प्लेस हुआ था। यू कैन सी हियर द डॉक्टर विक्रम साराभाई सर। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई सर हैज डन लॉट्स ऑफ द थिंग इन इन द फील्ड ऑफ you know the space communication, or you can say in the satellite communication. He is one of you know the big member of the ISRO. He is one of the founding stone of the space communication in India. So he is one of the great person. That's why I put this particular figure. ये अरवी अर्थ स्टेशन के सामने पे जो है ना इनका ये फोटो है। यू कैन सी हियर द कंट्रोल रूम इज देयर इनसाइड द इनसाइड दिस अरवी सेंटर के बाद में ये कंट्रोल रूम के अंदर में यू कैन सी दिस पैनल्स आर देयर, लॉट्स ऑफ द पैनल्स आर देयर वेयर दिस कम्युनिकेशन वाज कंट्रोल। सो दिस इज व्हाट द इंडियन अर्थ स्टेशन, दिस आर द टू अर्थ स्टेशन। लेट मी टॉक अबाउट सम अदर अर्थ स्टेशन। सो हियर वी कैन हियर व्हाट वी कैन से let me erase this particular part first. Okay, so when we talk about this particular earth station, you can see the Maitri earth station, the first earth station, Maitri earth stations. Let me use the different color. आप अगर देखोगे तो हमारा जो है ना एंटार्क्टिका पे इंडिया ने जो है ना जो एक अर्थ स्टेशन बनाया है, This earth station is nothing but known as the Maitri earth station. So you can see in the Antarctica also India has developed, ISRO has developed their own earth station. ये earth station में जो हमारा जो जो satellite के लिए जो tower लगा हुआ है वो tower अंदर में लगा हुआ है। इसको हम लोग cover करके क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि because if you will put this particular part, suppose ये आपका जो है ना आपका ये antenna है, so because of you know the snow falling and all this thing, these all are going to cover. ये अगर cover हो जाएगा तो ये metallic surface के बीच में क्या हो जाएगा, एक जो है ना आपको cover बन जाएगा। इस cover की वजह से you are not able to make the communication, microwave communication में क्या होगा, disturbance होगा। That's why we are going to put this shield. ये shield क्या करता है, it will protect not only from the environment but also from lots of the you know the unnecessary thing. उससे भी जो है ना protect करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रडम में जो है ना इसको डाल देते हैं। So here what we have protected inside there the big earth station will be there. अगर हम लोग एक और अर्थ स्टेशन के बारे में बात करें, it's not an Indian earth station but it's a earth station of California. So Jamesburg earth station was there. So it is somewhere in the remote valley of the California. So you why I have picked this particular earth station, because this is one of a very heavy earth station, massive satellite earth station. यहाँ पे अगर आप bombardment करोगे तो bomb से भी जो है ना ये आपका जो है ना ये खराब नहीं होगा। You are not able to destroy this. Even the war will be going on, so you are not able to destroy this particular earth station, because they are you know the they are very heavy, they are very you know they are designed in such a way that even the big bombs we are going to throw here, agar main missile se attack bhi karta hu then also I am not going to destroy this particular earth station. So this is one of a very big and massive earth station. So you can see nowadays people also built such kind of an earth station which cannot be destroyed by you know the missile system, which cannot be destroyed by a very big bombs, dynamites, in sab se jo hai na destroy bhi na kiya ja sake aisa earth station bhi jo hai na banaya ja raha hai. So this is one of an example of that kind of an earth station. So this is some of earth stations we have seen. Now let me go a little bit of this you know the journey. Lots of the country has a different journey. So let me start with the Intelsat. If you are going to click this particular link, you are able to see the timeline, some of the timeline of a different countries or the different places are there. So let me start with one country. I will give this link into the description box. You are able to see this particular link. So let me start with this first Intelsat. Intelsat ki jo hai na agar hum log bare mein dekhen, so let me open this particular first. Agar jo hai na Intelsat ko agar hum log dekhen to how the Intelsat has done his journey. So now you are able to see this particular you know the figure. Yahan pe agar aap dekhoge to this is the history of the Intelsat. Intelsat ki history ka jo hai na ye particular website hai. Aap dekhoge 1965 pe jo hai na Intelsat 1 was launched. Theek hai, to jo early bird was launched. We are showing this satellite as a bird also. हम लोग जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द बर्ड। तो बर्ड हम लोग सैटेलाइट को बर्ड भी बोलते हैं। तो जो अर्ली बर्ड वाज लॉन्च्ड इन 1965, दिस इज द इंटेल फर्स्ट। 1969 पे जो है ना इट हैज टेकन द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द मून लैंडिंग वाया द इंटेलसेट। इंटेलसेट से जो है ना वी हैव टेकन दिस फोटोग्राफ्स
अब इन 1969 पे हम लोगों ने जो है ना इंटेलसेट यूज करके जो है ना पहला फोटोग्राफ जो है ना लिया था, जो कि क्या था, मून लैंडिंग का था. यू कैन सी इन 1985 जो है ना लाइव एड कॉन्सर्ट था, दैट वाज ब्रॉडकास्टेड इन 1985 यूजिंग दिस इंटेलसेट. 1989 में एसडी वाज बॉर्न, हाई डेफिनेशन वीडियोस वर बॉर्न, हाई डेफिनेशन यू नो द इंटेलसेट वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस एंड वी आर एबल टू ट्रांसमिट द हाई डेफिनेशन सिग्नल्स. उसको जो है ना हम लोग ट्रांसमिट करना शुरू कर दिए. आज की डेट पे हम लोग 4K सिग्नल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो द अल्ट्रा एसडी, हाई एसडी. तो उस समय पे 1989 पे जो है ना एसडी वाज बॉर्न, बर्थ ऑफ द एसडी वाज देयर. ओके, 2000 पे जो सिडनी ओलंपिक्स था, दैट सिडनी ओलंपिक वाज ब्रॉडकास्टेड बाय यू नो दिस इंटेलसेट. इंटेलसेट जो है ना ब्रॉडकास्ट किया था यूजिंग द टीवी चैनल्स. More than 4,000 hours of the capacity was provided by this Intelsat. So you can go through this and you can read this all this particular part in 2001. What happened in 2006, 2007, 2009, 2012. So you can see this journey, 50 year of journey. 2040, 50 year he has completed in the space. Okay. So 2014 mein jo hai na Intelsat has completed his 50th anniversary. 2016 again it's launched, 17, so you can see up to 2016 it was there. Intelsat completed the first dual satellite launch. Ek saath pe jo hai na do satellite jo hai na launch kiya Intelsat ke through pe. So this was you know the timeline provided by the Intelsat. Now let me go to the another timeline. Let me go to this particular ISRO website. अगर हम लोग जो है ना इंडियन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, सो लेट्स गो टू दिस इंडियन और द इसरो टाइमलाइन और जर्नी को अगर हम लोग देखें, सो यू कैन सी द इसरो टाइमलाइन फ्रॉम 1960 टू टुडे. 1960 से जो है ना आज तक का जो है ना अगर टाइमलाइन अगर आप देखो, सो लेट मी गो बैक हियर. यू आर एबल टू सी, इफ यू आर एबल टू, लेट मी इंक्रीज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ. नाउ यू आर एबल टू सी, वी कैन इंक्रीज दिस. ओके, so let me go to the 1960. So 1960 pe jo hai na this ionoscope formed by the DAE. DAE kya hai? Aapka Department of Atomic Energy. So Department of Atomic Energy mein Indian National Committee for the Space Research was, you know, the foundation was built, or this foundation was built in your Tumba Equatorial Rocket Launching Stations. So yahan pe jo hai na they started the journey of Indian ISRO research has started in 1962 pe jo hai na it was started. Uske baad jo hai na kya hua, 1963 pe jo hai na pehla sounding rocket bheja gaya, launch kiya gaya. Isse kya kiya, they are able to get some of the environmental data ko jo hai na they have launched and they get it. अगर फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे की जर्नी देखें, देन एसएसटी एस्टेब्लिश्ड. उसके बाद जो है ना सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन जो है ना इसका काम शुरू हुआ था 1967 पे अहमदाबाद पे जो है ना दे स्टार्टेड डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क. नाउ वी कैन गो टू यू नो द 1969 पे जो है ना अगर देखोगे तो इसरो वॉज फॉर्म्ड 1969 पे. 15 अगस्त 1969 पे क्या हुआ था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज बिल्ड, इट वाज डिवाइडेड फ्रॉम यू नो द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में एक सब जो है ना डिवीजन डिफाइन हुआ. कब हुआ, 1969 पे, जिसका नाम इसरो रखा गया. इसरो इज नथिंग बट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड. तो कब हुआ था, 1969 पे. आफ्टर दैट इफ यू विल सी वी हैव airborne remote sensing things, we have the space communications, we have lots of you know the things was going on. So Aryabhatt was launched, you can see here Aryabhatt was launched in 1975 pe jo hai ISRO ka jo pehla satellite hai, India ka jo pehla satellite hai, that was launched. You can see here in this particular satellite lots of the solar panels are there. Here this particular part is nothing but your transponder, jisme aapka battery laga hua hai. These battery are connected with this solar panel, or inside what we have some of you know the electronic circuits work there. To April 1975 mein jo hai Aryabhatt was launched. If you will see, there are lots of the journey was happened. So let me decrease this value. Isko increase karne se jo hai na it's going to take. So Bhaskar 1 was launched here. Okay,
Then if you will go, you can see here lots of the satellite was launched after that. Okay, so this is the Indian National Satellite 2 was launched. So you can, in 1905, aap yahan se jo hai na, aap dekh sakte ho, there are so many things was happened. So this is the very, you know, the great, you know, timeline of an Indian things. So jaise yahan pe hum log jo hai na, GSLV ke baare mein baat karenge, GSLV was launched. PSLV जो है ना आपका जो है PSLV 12 जो है ना यहाँ पे लॉन्च हुआ था. यू कैन सी हियर देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. यू आर एबल टू सी जो PSLV जो है ना क्वाटासैट जो लॉन्च हुआ था दैट इज वाज देयर. सो यू कैन सी हियर द डिफरेंट टाइमलाइंस आर देयर. यू कैन सी हियर नाउ लेट्स गो टू दिस 2020 पे अगर हम लोग बात करें तो जनवरी 17 2020 को GSAT 13 वॉज लॉन्च्ड. So, अगर आज हम लोग जर्नी देखें 1960 से लेके आज तक तो जनवरी 17 को जो है ना GSAT 13 का जो है ना ये पर्टिकुलर फिगर है. यू कैन सी हियर कि जो है नवंबर पे क्या हुआ था आपका जो है ना 2BR1 मिशन वाज देयर. यू कैन सी आपका जो है ना जो डिफरेंट मिशंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2022 को जो है ना GSLV MK3 M1 Chandrayaan 2 mission was started. So there are so many things happened in India. So this is a very you know the good timeline. You can say one of the proud moment for an Indian. हम जैसे जो है ना Indian के लिए जो है ना ये बहुत important timeline है. If you are able to see, you can see this particular timeline also. If we will see the NASA का अगर हम लोग timeline देखें, then also we can go and we can see. Let me go to one or two timeline very briefly. After that we will stop this particular lecture. So agar yahan pe agar aap dekhoge to ye jo hai na particular jo journey hai this is the NASA journey. NASA ka jo hai na timeline yahan pe diya hua hai. So you can see 1950 pe jo hai na what exactly happened. Okay, Sputnik 1 Sputnik 2 was launched. Fir uske baad they have explored so many things. 1960 mein kya hua, NASA has launched this ECO 1 और जो है ना डिफरेंट सैटेलाइट वॉज लॉन्च. 1962 में क्या हुआ, 1964 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ. यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ द थिंग वॉज देयर. सो दिस इज नथिंग बट अ स्मॉल यू नो द टाइमलाइन जर्नी ऑफ नासा. ये कब तक का है, अप टू 1978 तक का जो है ना जर्नी यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर यू नो दिस पर्टिकुलर वेबसाइट टू सी दिस पर्टिकुलर वर्ड. Let me open this particular thing also a little bit. क्योंकि जो है ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, न्यूजीलैंड का था. तो न्यूजीलैंड का जो है ना ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें आप देखोगे तो आपका जो है ना एंशियंट ग्रीक के टाइम से जो है ना they have provided this timeline. कि जो है ना आपका इनिशियली क्या था, 6th century में कैसा था, उसके बाद 14th century में क्या हुआ, 15th century में क्या हुआ, then Kepler has given some law. उसके बाद क्या हुआ, ये 60s में आया, 16th पे जो है ना Kepler has came, he has given the Kepler's law 5071 से 63 के बीच में, okay, which we are going to read. उसके बाद जो है 78 में Newton's will came and he gave the gravity law. Again this was you know the journey. These are the different satellite launch vehicles they are used to launching the satellites, okay. So this is the another satellite timeline. If you are interested, you can see this timeline. This is one of a big, you know, the solar panel. बहुत बड़ा solar panel यहाँ पे launch किया गया है. You can see here. This is what the International Space Station. ये International Space Station का जो है ना photo है. So here you can see this is the different timelines. You know the made by this New Zealand. 21st January में New Zealand first satellite जो है ना was launched there. So these are some of the you know the timeline provided by science. This is the learn.org.newzealand से जो है ना they have taken. So I have taken this particular timeline from here. So you can go into this different timeline also. You can so give to this space race timeline also जो आपका UK का है. You can see the China timeline also. So here also there are lots of the thing was there. You can see here different you know the videos are also available. So these are some of the timelines you are able to see. Let me again once go to this you know the NASA.
Okay, so these are some of the timelines. If you are interested, you can go through this particular part. यहाँ पे भी जो है ना आपको 1940 beginning से जो है ना आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कि नासा जो है ना किस तरीके से ब्रीफली आपको मिल जाएगा कि 2017 तक जो है ना नासा हाउ दिस नासा हैज डन 75 एनिवर्सरी 2017 पे जो है ना नासा हैज सेलिब्रेटेड. सो यू कैन सी दिस सम ऑफ द टाइमलाइंस. So these are some of the timelines related with the satellite. There are so many other timelines are also there. But यहाँ पे ये जो कुछ satellite, ये जो कुछ timeline थी, ये मेरे को बहुत interactive लगी, बहुत अच्छी लगी. उसीलिए मैंने जो है ना इस lecture में थोड़ा सा जो है ना इसको रखा. I will give the link of this all in your description box so that you can go through this particular timeline and you can see. So let me stop this video here. So thank you very much all of you for your time. Thank you very much.